और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। इस परेड में भारत की सैन्य टुकड़ी भी हिस्सा ले रही है। इससे पहले मंगलवार को राजनाथ सिंह ने कहा था कि रूस और भारत ने अपने रक्षा सहयोग की समीक्षा की है और इसके विस्तार के तरीकों पर भी चर्चा की गई, यानी कि ये दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आगे भी जारी रहेगी। दोनों देश कम समय में रक्षा सौदे पूरा करने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को मॉस्को में भारतीय दूतावास में राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूलमाला भी चढ़ाई थी और दोनों ही देश कम समय में रक्षा सौदों का पूरा करेंगे, यानी कि जो टाइमलाइन सेट की गई है उसमें तेजी लाने की कोशिश की जाएगी, उससे पहले ये काम पूरा करने की कोशिश होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मॉस्को में विक्ट्री परेड में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ब्रेकिंग न्यूज, मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात को बेकरार है चीन। चीन की सरकारी मीडिया यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है कि भारत चीन की रक्षा मंत्री कल मॉस्को में मिलने वाले हैं और चीन के इस दावे को रक्षा मंत्रालय ने हालांकि खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि चीन के रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात होने वाली है नहीं, लेकिन ग्लोबल टाइम्स की अपनी रिपोर्टिंग ये बताती है, जो उसके फेक सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं, जो उनकी तरफ से दावा किया गया कि ये मुलाकात कल होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन के रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात राजनाथ सिंह की तय नहीं है। परवाह देश की,